Now let us solve some related to cards. You know very well, we are talking about the playing cards, जो पत्ते हम खेलते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं. टोटल कितने पत्ते होते हैं? 53. लेकिन उसमें जो जोकर का होता है वो हम लेंगे नहीं, तो उसको छोड़ दो. तो टोटल कितने 52 कार्ड्स हुए, ठीक है. अब 52 कार्ड्स में टोटल 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं. डायमंड, ये कुछ इस तरह से होता है जो रेड कलर का होता है. हार्ट, ये इस तरह का होता है, वो भी रेड कलर का होता है. क्लब कुछ इस तरह से होता है, ब्लैक कलर का. स्पेड, वो भी ब्लैक कलर का. अब मैं समझा दूं, कार्ड में टोटल 21 से लेके जैक तक के कार्ड होते हैं. यानी इक्का होता है दूरी, तीरी, चौका, पंचा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दसा. दसे के बाद 11 नंबर का कोई कार्ड नहीं होता है. फिर तुरंत आता है जैक, फिर क्वीन, फिर किंग. अब मैंने जैसे बताया कि इक्का, इक्के के चार कार्ड, डायमंड का इक्का, हार्ट का इक्का, क्लब का इक्का, स्पेड का इक्का. दूरी, दूरी यानी दो लिखा होता है उसके ऊपर, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, वो भी चार कार्ड. तीरी के चार, चौके, पंचे, छक्के, सत्ते, अट्ठे, नौवे, दसा. दसा के बाद आया जैक, क्वीन और किंग. टोटल कितने 13 टाइप के कार्ड हुए. और हर 13 में ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, तो 13 × 4 = 52, ठीक है. इसलिए टोटल हम यहाँ पर आउटकम 52 कार्ड्स लेंगे. अब डायमंड है, तो डायमंड का इक्का, दूरी, तीरी, चौका, पंचा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दसा, जैक, क्वीन, किंग, ये सारे मिला के 13 कार्ड डायमंड के, 13 हार्ट के, 13 क्लब के और 13 स्पेड के, ठीक है. डायमंड और हार्ट का कलर जनरली रेड होता है. सो टोटल रेड कलर हाउ मेनी कार्ड्स वी हैव? 26. दैट आई कॉल रेड सूट. रेड सूट दैट मींस ऑल कार्ड ऑफ रेड कलर. फिर उसमें सब आ गए, रेड कलर का डायमंड भी आ गया, हार्ट भी आ गया. उसके अंदर डायमंड के सारे 13 कार्ड, इक्के से लेके किंग तक, और हार्ट के भी 13 कार्ड, इक्के से लेके किंग तक सारे आ गए. तो रेड कलर के टोटल कितने कार्ड्स होते? 13 + 13 = 26. दैट आर कॉल्ड रेड सूट. सेम वे ब्लैक सूट, जिसमें ब्लैक कलर के क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, कितने हो? 26. देखो आपको ये तो इजीली याद रह जाएगा, डायमंड जैसा दिख रहा है डायमंड. हार्ट तो बताने की जरूरत नहीं याद रखने का. कन्फ्यूजन यहाँ बहुत सारे लोगों को होता है क्लब और स्पेड के बीच में. एक बात याद रखने की कि स्पेड है वो कभी पेड नहीं होता है. जैसे कि ये जो पेड दिख रहा है, तो पेड है तो ये स्पेड नहीं हो सकता. स्पेड क्या होता है? पत्ता. ये पत्ते जैसा दिख रहा है ना, तो स्पेड होता है पत्ता. तो बाकी कौन रह गया? क्लब, ठीक है. अब देखो पिक्चर और फेस कार्ड. टोटल 52 कार्ड में कितने ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें फेसेस होते हैं? जैसे जैक है तो उसमें जैक का फेस होता है, क्वीन पे क्वीन का, और किंग के कार्ड पे किंग का फेस हो. इसलिए इन सबको फेस कार्ड या तो पिक्चर कार्ड बोला जाता है. तो टोटल कितने पिक्चर कार्ड्स और फेस कार्ड होते हैं? 12, ठीक है. 4 किंग के, यानी डायमंड का किंग, हार्ट का क्लब, स्पेड, वैसे क्वीन के 4 और जैक के 4, टोटल 12. ये आपको याद रखना है. एस, ये याद रखना है वर्ड एस, दैट मीन्स इक्का. क्या होता है? इक्का. इक्के के कितने कार्ड्स होते हैं? 4. एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब एंड एस ऑफ स्पेड. ओके, सो दिस थिंग, टू थिंग यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट अस सॉल्व द सम. लेट अस फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट लेट अस से इवेंट ए, फेस कार्ड. टोटल हाउ मेनी फेस कार्ड वी हैव? 12. सो नंबर ऑफ ट्रायल विल बी 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल विल बी 52. सी हियर, दिस ऑल क्वेश्चंस विल बी डिविजिबल बाय 4 और 13. इतना ही सोचना है आपको. 4 × 3 = 4 × 13. आंसर इज 3/13. सेकंड नंबर, किंग ऑफ ब्लैक सूट, यानी किंग के टोटल कितने कार्ड्स? 4, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड. लेकिन हमें सिर्फ ब्लैक कलर का किंग चाहिए, तो ब्लैक कलर में सिर्फ ये दो आते हैं. ये तो रेड कलर के हो गए ना, तो किंग ऑफ ब्लैक सूट हाउ मेनी? क्लब का किंग और स्पेड का किंग, हाउ मेनी? 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, सो नंबर ऑफ ट्रायल 2, दैट मीन्स क्लब का किंग और स्पेड का किंग, एंड टोटल कार्ड्स 52.
2 2 1 2 26 1 upon 26. नंबर 3 क्वीन ऑफ रेड सूट. अब वापिस क्वीन के 4 कार्ड होते हैं, डायमंड की, हार्ट की, क्लब की और स्पेड की क्वीन. लिए हमें सिर्फ रेड कलर की क्वीन चाहिए, दैट मींस क्वीन ऑफ डायमंड एंड क्वीन ऑफ हार्ट ये नहीं ले सकते. तो फिर से रेड सूट की क्वीन कितने, 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट सी, नंबर ऑफ ट्रायल 2, टोटल 52, अगेन इट विल बी 1 by 26. नंबर 4th एस का मतलब इक्का ऑफ स्पेड. इक्के के कितने कार्ड, डायमंड का, एस, हार्ट का, क्लब का, स्पेड का, नहीं सारे नहीं चाहिए हमें. एस ऑफ स्पेड, स्पेड का इक्का कितना, स्पेड का तो एक ही होगा ना, इक्का टोटल इक्के 4, लेकिन स्पेड का एक ही होता है. सो नंबर ऑफ ट्रायल 1 by 5, टोटल कार्ड 52. नाउ 5th सही रेड सूट. रेड सूट का मतलब टोटल सारे के सारे रेड कलर के कार्ड, यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं कि क्वीन, किंग, इक्का, दूरी, कुछ भी. रेड सूट मतलब सारे के सारे रेड कलर के कार्ड. तो टोटल रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, टोटल 26. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल 26 अपॉन टोटल 52, 26 टू 52 1 by 2, 6. ब्लैक सूट, वैसे ब्लैक कलर के टोटल कितने कार्ड, 26. से नंबर ऑफ ट्रायल 26, टोटल 52, 1 by 2, ओके. 7 हार्ट, तो सिर्फ हार्ट लिखा हुआ, लिखा नहीं कि डायमंड का हार्ट, ठीक है, सिर्फ हार्ट लिखा हुआ, लेकिन हार्ट कौन सा, इक्का, दूरी, तीरी, चौका, कुछ लिखा नहीं. तो मतलब हमें सारे के सारे हार्ट के कार्ड हमें लेने पड़ेंगे. तो टोटल हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं, 13. सो हियर 13 बाय 52, 13 फोर जा 52, 1 by 4, ओके. 8 देखो हार्ट की जगह वो लोग स्पेड पूछ सकते हैं, डायमंड पूछ सकते हैं, क्लब पूछ सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दे कैन फॉर्म. 5 ऑन कार्ड, यानी अब हमें कार्ड जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, उस कार्ड पे 5 आने की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है. अब मुझे बताओ कि जिस पे 5 लिखा होता है, पंजाब जिसको कहते हैं, वैसे कितने कार्ड्स होते हैं, पंजे के कितने कार्ड होते हैं, डायमंड का, हार्ट का, क्लब का और स्पेड का. टोटल पंजे के कितने कार्ड्स होते हैं, 4. सो हियर नंबर ऑफ ट्रायल 4 अपॉन टोटल 52, 1 upon 13, ओके. 9 ये 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, दस्सा भी हो सकता है, गल्ला भी बोल सकते हैं, जिसको हम जैक के, जैक का मतलब गल्ला, ठीक है. ऐसा पूछे कि 2 ऑन कार्ड, 2 लिखा हुआ, ये दूरी के कितने कार्ड होते हैं, वो भी कितने होंगे, 4 ही होंगे ना, डायमंड का, हार्ट का, क्लब का और स्पेड का. 9th किंग ऑफ ब्लैक कलर, टोटल किंग के कितने कार्ड्स होते हैं, सॉरी ये तो हम यहाँ क्वेश्चन ले चुके हैं, ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये रखते हैं, चलो ना, कहाँ रब करें. किंग ऑफ ब्लैक ये अब फाइंड कर चुके हैं, ब्लैक कलर के किंग की, किंग के टोटल 4 कार्ड, तो ब्लैक कलर के सिर्फ ये क्लब और स्पेड 2. रब करना पड़ेगा, स्पेस कम है, चलो इसको रब कर दो. सो 9 10, ओके. नाउ जैक ऑफ हार्ट, जैक मतलब गल्ला, गल्ले के, डायमंड का गल्ला, हार्ट का, क्लब का, स्पेड, लेकिन चारों नहीं चाहिए हमें, वी वॉन्ट ओनली जैक ऑफ हार्ट. तो हार्ट का तो एक ही गल्ला होगा ना, टोटल जैक के 4 कार्ड, ये 4, लेकिन हार्ट का तो एक ही हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल 1 अपॉन टोटल 52, ओके. सो नाउ 10 नंबर, देखो जैक ऑफ हार्ट लिखा हुआ है, अगर जैक ऑफ डायमंड लिखा होता तो भाई गल्ले के 4 का, डायमंड का, हार्ट का, क्लब का, स्पेड, लेकिन
जैक ऑफ डायमंड लिखा तो एक ही होगा ना, जैक ऑफ हार्ट लिखा तो भी एक, क्लब स्पेड सब में वन वन आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन इज डायमंड कार्ड्स। सी इट इज नॉट रिटन ओवर देयर के डायमंड ऑफ किंग क्वीन जैक, ठीक है, इक्का दोरी तीरी विद डायमंड इट्स नॉट रिटन। दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर ऑल कार्ड्स ऑफ डायमंड। टू टोटल हाउ मेनी कार्ड्स ऑफ डायमंड वी हैव ओवर हियर? 13। सो नंबर ऑफ ट्रायल से 13, टोटल 52, 1/4, 11 नंबर। ओके, एस ऑफ क्लब, एस का मतलब इक्का, इक्का इक्के के कितने कार्ड? 4, डायमंड का इक्का, हार्ट का इक्का, क्लब का इक्का, स्पेड का इक्का, ठीक है। ले हमें सिर्फ क्लब का इक्का चाहिए, तो इक्के के चार कार्ड, ये चारों, लेकिन क्लब का तो एक ही होगा इक्का। सो नंबर ऑफ ट्रायल 1/52। ओके, गो थ्रू इट। हेल्दी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सॉल्व वन मोर डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हियर वी गोइंग टू सॉल्व सम्स रिलेटेड टू डेज ऑफ द मंथ। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू दैट हाउ टू सॉल्व दिस सम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ मेनी डेज आर देयर फॉर ईच मंथ, दैट मेथड वी नो। Same, wherever born we have, that shows 31 days and this part shows 30 days. That means January 31, February 21, 28, 29, March 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30 and December 31. Let us solve first. 5 Monday. Find probability of getting 5 Monday in a month of January. See, you don't have to bother about Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, जो भी दिया हो उसे मैं कोई लेना देना नहीं है, चाहे 5 दिया, 4 दिया, 3 दिया, यहां पर 5 ही होगा, 4, 3, 2, 1 कभी नहीं होगा, ठीक है। You just have to find out name of the month or name of year. Okay? नेम ऑफ द मंथ इज व्हाट? जनवरी। चेक इट आउट कि हाउ मेनी डेज जनवरी हैव, पहले याद है 31। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट मंथ, देन डेज, देन व्हाट एवर डेज यू आर हैविंग डिवाइड इट बाय 7। ये फिक्स है, ये सारे के सारे सब में डिवीजन ही करना है। फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज एंड डिवाइड इट बाय 7, वो भी फिक्स है। वाई 7? बिकॉज वन वीक हैव 7 डेज, दैट्स वाई। ओके, 7 टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ डेज वी आर हैविंग, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 7। 7 फोर द 28, रिमाइंडर 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज, सी व्हाटएवर रिमाइंडर यू आर हैविंग ना, दैट विल बी इन अ न्यूमरेटर। ओके, एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस काइंड ऑफ सम विल बी ऑलवेज 7। आपको सोचना ही नहीं है, डिनोमिनेटर में 7 लिख ही देना है एंड न्यूमरेटर विल बी रिमाइंडर। Easiest kind of sum it is second one. 5 Tuesday in a month of February 2020. हमें ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। We concern with this month February and 2020 year is also given. We know February have 28 or 29 days. So if it have leap year, then 29 days. Non leap year, 28 days. चेक इट आउट वेदर 2020 इज अ लीप ईयर और नॉट। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक लॉजिक है, इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ एन ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज कॉल्ड लीप ईयर। ये लास्ट टू डिजिट चेक करो, लास्ट टू डिजिट क्या है? 20। अब बताओ 24 के टेबल में आता है, यस 4 5 20, सो 20 इज डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स 2020 इज अ लीप ईयर। 2020 इज अ leap year, and tell me
इन लीप ईयर फेब्रुआरी हैज हाउ मेनी डेज? 29. सो जस्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज एंड डिवाइड बाय 7. बाकी ये 5 ट्यूजडे वेडनेसडे से कोई लेना देना नहीं है अपने. 7 4 जा 28 1. सो व्हाट एवर रिमाइंडर यू आर हैविंग दैट विल बी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑलवेज 7. ओके. थर्ड, फाइव संडे इन मंथ ऑफ अगस्त 2021. अब देखो मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये ईयर को देखने का, ये चेक करने का कोई मतलब है लीप ईयर है कि नहीं? कोई मतलब नहीं है. अगस्त को लीप ईयर है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कब फर्क पड़ता है? जब फेब्रुआरी मंथ दिया हो तब. सीधा ये तो अगस्त है, ईयर का कोई काम है. चेक इट आउट, जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. अगस्त है हाउ मेनी डेज? 31. डिवाइड 31 बाय 4. 7 जा 28, रिमाइंडर 3. सो रिमाइंडर विल बी अवर न्यूमरेटर. सो 3 अपॉन डिनोमिनेटर ऑलवेज 7. फोर्थ, फाइव वेडनेसडे इन मंथ ऑफ फेब्रुआरी 2061. अब देखो ये फेब्रुआरी है तो हमें यहां पर 2061 ईयर को देखना पड़ेगा, बिकॉज फेब्रुआरी कैन हैव 28 और 29 डेज. चेक इट आउट लास्ट टू डिजिट, इट इज 61. नाउ डिवाइड 61 बाय 4. देखो यानी 61 4 से डिविजिबल है, चेक करो. तो 4 का टेबल बोलो, 4 वन जा 4, 4 टेन जा 40, 4 इलेवन जा 44, 4 ट्वेल्व जा 48, 4 थर्टीन जा 52, 4 14 जा 56, 4 15 जा 60 और 4 16 जा 64. यानी 61 4 के टेबल में आता नहीं है. और एक बात बता दो, 4 का टेबल 10 तक एंड नहीं हो जाता है, 11 जा 12 जा 13 जा 14 जा आगे तक भी आता है. नहीं, हमें कंफर्टेबल 10 तक होता है इसलिए हम टेबल 10 तक लेते हैं, बाकी आपको ऐसे चेक करना है 4 ही. अदरवाइज आप एक और एक चीज कर सकते, 61 को 4 से डिवाइड कर सकते, ठीक है? लेकिन दो दो डिवीजन हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. 4 1 4 21, 4 4 16, सॉरी 4 5 20. वी आर गेटिंग रिमाइंडर, दैट मीन्स 2061 इज नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर, सो व्हाट विल डू, will divide non leap year, that means February will have how many days? 28. Divide it by 4. 4 7s are 28. 0. So probability of this event, 0 divided by 7, that means 0. इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन लीप ईयर में फेब्रुआरी में कभी भी 5 वेडनेसडे नहीं हो सकते. नंबर फिफ्थ, फिफ्थ इज 53 वीक इन 2027. देखो अब आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लीप ईयर है, देखो हमें डेज से लेना देना है, डेज से. टोटल ऑन ईयर के कितने डेज हो सकते हैं? 365 या 366. अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, नॉन लीप ईयर है तो 365 डेज होंगे. तो आप इस लास्ट टू डिजिट क्या है, 27, चेक करो. 4 के टेबल में 27 आता है. 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ओके 4 7 जा 28 नहीं आता है, मतलब 2027 इज अ नॉन लीप ईयर. 2027 इज नॉन लीप ईयर. सो डेज कितने डोज डेज होंगे? 2027 विल हैव 365 डेज. देखो अगर लीप ईयर होता तो एक दिन बढ़ जाता है, सिंपल है. देखो डेज ही आपको फाइंड करना है, डेज को सिंपल लॉजिक वही है, डिवाइडेड बाय 7. 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या आया? 1.
So probability of this event will be 1 upon denominator always 7. Okay. Now 6th one. 5 Friday in month of November. हमें फ्राइडे फ्राइडे से कोई लेना देना नहीं. वी कंसर्न विथ ओनली डेज ऑफ ईयर और डेज ऑफ मंथ. नवंबर चेक इट आउट. नवंबर हैव हाउ मेनी डेज? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 30. सो डिवाइड 30 बाय 7. 4 28 रिमाइंडर 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट रिमाइंडर 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर ऑलवेज 7. Okay, 7. So now 53 week in 2080. अब वापिस यहां पर year है, month नहीं है, तो हमें check करना पड़ेगा ये leap year है कि नहीं. अब मुझे बता 80 days है, 80 है last two digit, 4 से divide करो, 420 is 80, 4 से divisible है, मतलब ये leap year है. ठीक है, 2080 is लीप ईयर. अब बताओ लीप ईयर है तो मैंने बताया था ईयर में वन डे ज्यादा होता है, जनरली 365 डेज होते हैं. अगर लीप ईयर हुआ तो कितने डेज हो गए? 366 डिवाइडेड बाय 4. 4 9 36, 6 4 1 4, वी आर गेटिंग रिमाइंडर 2. हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 2. ये आई थिंक डिवीजन मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है. सो रिमाइंडर इज 2 एंड डिनोमिनेटर ऑलवेज 7. ओके, सच काइंड ऑफ सम जनरली आस्क इन एग्जाम, गो थ्रू इट. Now let us check this sum. See, here we are going to discuss two different kind of probability. Probability of impossible event and probability of sure event. So we know very well, impossible events are those event which is not at all possible. We know the probability of that impossible event is always zero. For example, the sun rises in the west, impossible, kyunki sun to east mein rise hota hai. Getting 50 marks out of 51 marks. 51 मार्क, सॉरी ये थोड़ा रॉन्ग लिख दिया मैंने. गेटिंग 51 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क. अब 50 मार्क का पेपर है, 50 मार्क के पेपर में 51 मार्क तो हमारे आ नहीं सकते. सी देयर आर मेनी एग्जांपल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, सी व्हेनेवर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम, जस्ट थिंक इफ द स्टेटमेंट गिवन द क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, दैट मीन्स इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो. We cannot predict which kind of question can be asked. Lots of question can be asked in this impossible event. Next is sure. Sure event. Probability of sure event is always 1. Generally, whatever universal truth are there, that all are sure event. For example, the sun rises in the east. Universal truth hai. Sun east mein hi rise hota hai. To usko solve karne ki zarurat nahi hai. It is truth. So its probability will be 1. The sun set in west, there is also truth. Earth revolve around the sun, truth. Earth sun ke aaju baaju hi ghumta hai. Moon revolve around earth, truth. In short, koi bhi scientific phenomenon agar aati hai, to wo uski probability always 1 hi hogi. Kyunki jitne science mein logic samajhte hain, they are universal truth. So here also infinite number of example we can write. Okay. Now next type of sum is asked related to marks. जल्दी यहाँ पर ज़्यादा आप लोग confused होते हैं. Find probability of getting 71 marks in a maths paper that you are having in your hand. Suppose आप board की exam दे रहे हो, ठीक है? Board की exam में आपके हाथ में 80 mark का paper होगा. तो वहाँ पर लिखा नहीं होगा कि 80 mark का paper है. तो वो जो maths का 80 mark का paper है, उसमें से आपके 71 mark आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? देखो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. सिर्फ फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ ट्रायल. उसका मतलब अब मुझे एक बात बताओ,
80 मार्क का पेपर है, तो सपोज आपके 71 मार्क आए, तो 71 मार्क कितनी बार आ सकते हैं? एक बार, दो बार? एक ही पेपर में आपके 71 मार्क दो बार आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, 80 मार्क का पेपर है, 71 मार्क तो एक ही बार आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायल वन। अब डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिखने होते हैं, मतलब कि 80 मार्क के पेपर में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्क्स आपके आ सकते हैं। आप सोचोगे सर 80 टाइप के मार्क्स आ सकते हैं, वन आ सकता है, टू मार्क आ सकते हैं, थ्री मार्क आ सकते हैं, फोर मार्क आ सकते हैं, फाइव मार्क, 50 मार्क्स, 60, 80, बस वन से लेके 80 तक के मार्क्स आ सकते हैं। उसे कहा डिफरेंट टाइप के मार्क्स है, नहीं 80 टाइप के मार्क्स आ सकते हैं। नहीं, जीरो भी तो आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? 80 मार्क का पेपर है, जरूरी थोड़ी कि किसी को जीरो मार्क नहीं मिलते हैं, जीरो भी मिलते हैं। यानी आपके 80 मार्क के पेपर में जीरो मार्क भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, और 80 भी आ सकता है। तो टोटल कितने टाइप के मार्क्स आ सकते हैं? 81 टाइप के। कितने? 81, जीरो और वन टू 80, तो 1/81, दिस इज योर आंसर। तो ये भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि 71 मार्क ही पूछे। 50 मार्क ऑल्सो दे कैन आस्क, आउट ऑफ 80 मार्क पेपर हाउ मेनी टाइम यू कैन गेट 50 मार्क? वन टाइम। सो ऑलवेज व्हेन एवर सम रिलेटेड टू मार्क्स इज देयर, न्यूमरेटर विल बी वन, अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है तो। जैसे ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो जीरो हो गया, लेकिन अगर पॉसिबल इवेंट है मार्क के रिलेटेड तो ऑलवेज न्यूमरेटर में वन ही होगा, कोई भी टाइप का सम बना लो। चाहे मैं पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 73 मार्क्स इन 80 मार्क पेपर, तो 73 मार्क भी आपके एक ही बार आ सकता है, सो न्यूमरेटर विल बी वन। और डिनोमिनेटर में ध्यान रखने का, व्हाट योर टोटल मार्क पेपर यू आर हैविंग एड वन, क्यू वन एड करने का, क्योंकि जीरो मार्क भी आ सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 71 मार्क इन 100 मार्क पेपर, अब 100 मार्क्स के पेपर में 71 तो वन टाइम ही आ सकता है, सो न्यूमरेटर विल बी वन। बट टोटल हाउ मेनी टाइम टाइप ऑफ मार्क वी कैन गेट, दैट विल बी 101, क्योंकि जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, 100 तक का कोई भी मार्क आ सकता है, टोटल विल बी 101। ओके, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। लेट अस मूव टू नेक्स्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 मार्क्स आउट ऑफ 80। यहां पर भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दबाजी में वन लिख देते हैं। चलो एक बात मुझे बताओ, 80 मार्क का पेपर है, चलो आपको 80 आउट ऑफ 80, तो 80 मार्क कितनी बार आएंगे? एक ही बार आएगा ना, आपके मार्क्स तो पेपर में एक ही बार लिखा होता है, 80 फाइव टाइम लिखा होता है। तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा? 80 मार्क के पेपर में 81 टाइम ही आ सकता है। अब 80 मार्क के पेपर टोटल कितने टाइप के मार्क्स आपके हो सकते हैं? जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, 80 तक आ सकते हैं, टोटल कितने टाइप के मार्क्स आ सकते हैं? 81 टाइप के। मैंने जैसे बताया था, अगर मार्क्स का कोई भी सम है, अगर इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, तो न्यूमरेटर ऑलवेज विल बी वन, ऑलवेज। और टू फाइंड आउट डिनोमेटर, व्हाट योर टोटल मार्क वी हैव एड वन, 80 मार्क का है तो वन एड करो तो 81, 100 मार्क का हुआ तो वन एड करो 101, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो इन 80 मार्क पेपर। चलो मुझे आप बता दो, इन 80 मार्क पेपर जीरो मार्क हाउ मेनी टाइम यू कैन गेट? ऑब्वियसली वन टाइम ही समझाया, कोई भी मार्क का पेपर हो, कितने भी मार्क्स का, ठीक है, पर्टिकुलर मार्क हमें से एक ही बार आ सकता है। जीरो अगर आपके मैथ्स के पेपर में आया तो जीरो एक ही बार आएगा ना, तो इन 80 मार्क पेपर टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ मार्क यू आर हैविंग? 81। ओके, so now the basic sum related to probability are over. In next video we'll start chapter. Okay, go through it. Thank you.